मेरे जहन में आता है मेरा सबसे पहला स्टेज परफॉर्मेंस वाज विद आईटीए रित्विक के परफॉर्मेंसेस आई विश यू एंड देन वन चंक आई होस्टेड देयर आई रियली गूफ्ड अप अ लॉट सो आई दीस टू थिंग्स फॉर श्योर दीस टू थिंग्स फॉर श्योर मेरा पहला परफॉर्मेंस आई रिमेंबर गीता माँ ने कोरियोग्राफ किया था पहली बार मुझे कभी से मैं इतना खुश था ना इतने बड़े स्टेज पे मैं पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ एंड आई वाज आई थिंक यस वो था आईटीए वाज किलिंग एवरीवेयर यस अनिल वनवारी जी नहीं यार आई थिंक आई जस्ट गॉट इन माय शो इज नॉमिनेटेड व्हिच इज अ बिग थिंग फॉर मी या अब तो तुम्हारा शो नॉमिनेट ना हो वो लोगों को डर लगता है कि इतने साल होने के बाद भी तुम्हें नॉमिनेशन ना मिले लानत है तुम पे हर शो में तुम्हें नॉमिनेशन लेके आना चाहिए एक आध अवार्ड तो ले ही लेते हो तुम अच्छी बात है वेरी नाइस बट हाँ वेल आई थिंक आई हर पार्टी में जितना धमाल होता है उतना एक्सपेक्ट कर रहे आप अंदर नहीं आ पाते लेकिन हम आपको बता रहे हैं तो बड़ा मजा आएगा हम थोड़ी सी मस्ती करेंगे थोड़ा सा नाचेंगे गाएंगे और फिर घर चले जाएंगे बट मस्ती बहुत होती है जी हाँ बड़ा मजा आता है यस भाभी पूछा इतना प्यार है हमसे भाभी पूछा है हमारी भाभी आजकल वर्किंग एक्टर हो गई है वो शूटिंग करती है वो अभी वेली नहीं है हमारी तरह हम फिलहाल वेले बैठे हैं हाँ जी कुछ नहीं यार आई थिंक यही आई थिंक यही पार्टीज के सबके बहाने बिकॉज सब बिजी होते हैं अपनी शूटिंग में जैसे exactly. भाभी आज भी बिजी हैं इसी बहाने सबसे मिलना हो जाता है सो एक्चुअली आई लुक फॉरवर्ड टू भाभी ये सिर्फ प्यार से बोलता है शादी हुई नहीं अभी तक दुनिया वालों ताकि आप लोग को लगे कि भाई और भाभी बोल दिया उसने तो मेरे मम्मी पापा मेरे को फिर बोलेंगे उसके मम्मी पापा फोन करेंगे क्या कब किया तुमने हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू हाँ तो मतलब इसी तरह से आई जस्ट लुक फॉरवर्ड टू मीट माय फ्रेंड्स हाँ जी भाभी तो आप ऐसे हम मिलते रहते हैं ना इतनी ऑब्वियसली आज भाभी शूज करी मैंने पूछा ऐसे ही इसलिए आई सी थैंक यू बट आपको इनसे कभी जब कभी भी ये किसी अवार्ड शो में आपको इनसे पूछना चाहिए आपको कैसा लगता है आपका शो खुद में एक अवार्ड शो है इतने सालों से चल रहा है मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इतने सालों से मतलब आप और सब लोग वो मेकअप पहन के छः साल हाउ डज इट फील एंड आई एम लाइक नियरली 55-56 इन दिस शो चल झूठे लास्ट टाइम जब मुझे मिला था 60 का तो हो चुका था नहीं मतलब अब थोड़ा तो रियल में एज नहीं छुपाता है शो में तो छुपाने थे भाई दो बजे हो गया 56 साल का मेरा भाई असल में सिर्फ 25 का देख है आई टर्न 30 यू केम टू माय बर्थडे चल चल बाबा चल बाद में बात करते हैं बाय